लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये रिलेटिव मोशन देख रहे थे, और रिलेटिव मोशन में ये कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे, मैं ऊपर लेके जाता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब कि अगर कोई भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, या फिर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के केस में ये फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, नॉट कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगा, तो एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी हम लोग आराम से लगा सकते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन अगर हो रहा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होता है, ये एज्यूम करके चलना है, और उसमें ये सारे फॉर्मूलेस वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी फॉर्मूले को अप्लाई करके हम लोगों ने फिर कुछ क्वेश्चंस किए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे ये सब। आगे चलते हैं, और मैं यहाँ तक बता दिया था। पहले के भी जो क्वेश्चंस थे एस सी वर्मा के, वो भी मैंने करा। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन अभी हम लोग ऊपर स्टार्ट किए थे, देख रहे थे, है ना, ये सब क्या है। रिलेटिव मोशन टू डायमेंशन में चल रहा है, जिसमें आई कैप और जे कैप दोनों यूज हो सकता है। ओके, तो अब इसके बाद जो आता है टॉपिक, देखो इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है टू डायमेंशन में, जो कि हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे। अभी तो क्या है कि वन डायमेंशन का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच मैंने बता दिया था। तो अब इसके बाद, जैसे कि देखो, रिलेटिव मोशन हम लोग चाहे तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्या है वो टू डायमेंशनल मोशन ही है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि एक लिफ्ट है, एग्जांपल के तौर पे एक लिफ्ट है, और इस बड़ा सा लिफ्ट है, और इस लिफ्ट के अंदर कोई भी बॉल को यू स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा आराम से। उसका रेंज कितना होगा, ये सब चीज़ें हम लोग निकाल सकते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, ये सब निकाल सकते थे। लेकिन अब सोचो कि अचानक से ये लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में ए से एक्सलेट करने लग गया, तो ए से अगर एक्सलेट करने लग गया है, तो अब इस केस में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, ये सब मुझे निकालना है, बराबर। तो क्या करना पड़ेगा, हमेशा हम लोग वही काम करते हैं कि जो भी चीज़ है ऑब्जर्वर जहाँ पे भी है उसके रेस्पेक्ट में देखना है। तो ये रेंज, क्योंकि मुझे लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं ऑब्जर्वर को एक लिफ्ट के ऊपर बैठा दिया, और ऑब्जर्वर क्योंकि ए से एक्सलेट कर रहा है, तो मुझे इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। रेस्ट पे लाने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे के डायरेक्शन में ए से एक्सलेशन देना पड़ेगा। तो इनफैक्ट हर एक पार्टिकल पे ए से एक्सलेशन नीचे के डायरेक्शन में लग जाएगा। तो इस बॉल के ऊपर अब नेट एक्सलेशन कितना हो गया, जी तो था ही था, अब ए भी है, तो इसको हम लोग जी इफेक्टिव बोलते हैं। और इसको तुमने यू से प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो अब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, ये फॉर्मूला होता है। तो जी के जगह पे क्या लिखेंगे, जी इफेक्टिव यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी इफेक्टिव विच इज जी प्लस ऑफ इट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट 2 u sin थीटा, मतलब u परपेंडिकुलर डिवाइड बाय g होता है, तो इस जगह पे भी हमारा 2 u sin थीटा डिवाइडेड बाय g परपेंडिकुलर, मतलब g इफेक्टिव, दैट विल बी, ये g इफेक्टिव होगा, दैट विल बी g प्लस ऑफ ए। और मैक्सिमम हाइट लिफ्ट से कितना होगा, और उस एच का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी, तो जी के जगह पे जी इफेक्टिव लिखें। बस एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक हम लोग याद रखेंगे कि हाँ, हमें जी इफेक्टिव ऑलवेज यूज करना होता है, और ये चीज़ हम लोग बहुत जगह पे यूज करेंगे। तो लिफ्ट अगर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सलेट कर रहा है, तो जी इफेक्टिव ये हो गया, और लिफ्ट अगर नीचे के डायरेक्शन में एक्सलेट करेगा, तो जी इफेक्टिव कितना होगा बोलो, G-A जी माइनस ऑफ, लेट से कि ए से एक्सलेट कर रहा है और इस बॉल को तुमने यू से फेंका, तो इस बार मुझे जी इफेक्टिव बोलना होगा जी माइनस ऑफ ए। गिवन दैट जी और ए में जो है ए छोटा है और जी बड़ा है,
ठीक है। सोचो अगर जी बड़ा हो गया, नहीं ए बड़ा हो गया जी से, तो क्या होगा? बोलो क्या होगा फिर? ऐसे बारे में मैं क्वेश्चन भी है, ट्रेन छोटा हो जाए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट का जो लेंथ है वो 10 मीटर है, और 5 मीटर के हाइट से एक पर्सन ने कॉइन को ड्रॉप किया, अपने रेस्पेक्ट में कॉइन को ड्रॉप किया, और उस समय जो लिफ्ट है वो नीचे की डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकेंड से एक्सलेट कर रही थी। तो बोला गया कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच कॉइन विल हिट द लिफ्ट। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, बोलो क्या होगा? बोलो, कॉन्सेप्ट बताओ सभी को, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। बोलो देखो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, लिफ्ट का, और बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि जैसे ही फ्री फॉल होगा तो ये नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से गिरने की कोशिश करेगा, लेकिन लिफ्ट बहुत ही जल्दी जल्दी गिर रहा है, नीचे जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो कोई भी इंसान जो लिफ्ट के अंदर होगा वो जब कॉइन को देखेगा तो बोलेगा कि ये कॉइन मेरे तरफ नहीं, मेरे से दूर जा रहा है, क्योंकि इस आदमी के रेस्पेक्ट में इस कॉइन का एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आया ना? यस सर। है ना? तो अब ये कॉइन जो है ऊपर टक्कर जाकर के खाएगा, फ्लोर पे हिट नहीं करेगा, ये रूफ पे टक्कर खाएगा। तो 5 मीटर ऊपर अगर जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना टाइम लगेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। s = ut + ½ at² से s कितना हो जाएगा? 5, इनिशियल 0, ½ a × t² आ जाएगा आंसर। समझ में आया क्या सबको? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं और रिलेटिव मोशन हम लोग देखते हैं रिवर में, जिसको हम लोग रिवर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। रिलेटिव मोशन एंड रिवर तो कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, वो मैं पहले बताऊंगा और तो उसमें कुछ सोचने के लिए है नहीं। दो तरह के नाम होते हैं, मान लो कि एक नदी है जिसमें कि पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो स्विमर है वो दो डायरेक्शन में तैर सकता है, या तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में या तो रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। आया ना? मेरी बात समझ में आएगा? यस सर। हाँ, इस पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि जो रिवर प्रॉब्लम होता है एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से बिल्डअप नहीं होते, वो कुछ और समझते हैं, और क्वेश्चन जब सेंटेंस में लिखा होता है तो और ज़्यादा टफ पड़ जाता है। तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में पानी किसी भी तरफ फ्लो नहीं कर रहा है, तो एक स्विमर है जिसमें कि ये आराम से कितना स्पीड ले लूँ, वी स्पीड से तैर सकता है। समझा क्या? यस सर। ये जो स्विमर है वो वी स्पीड से तैर सकता है,
इस स्विमिंग पूल में। तो ये जो वी स्पीड है पानी के कारण से है या स्विमर के खुद के पावर के कारण से है? स्विमर स्विमर के खुद के पावर के कारण से। तो इसका नाम जो है क्या बोला जाता है? वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू द वाटर। समझना, इसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा लेकिन इसे याद रखना। वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल है। और अगर बोल दे वेलोसिटी ऑफ मैन तो वो अलग चीज हो जाएगा, बोथ आर डिफरेंट थिंग। वेलोसिटी ऑफ मैन अगर बोल दिया गया या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर बोल दिया गया है तो ये अलग चीज है, ठीक है? इसको वीएम से डिनोट करते हैं। और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर मतलब कि ये कहलाएगा। और यही जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर है, इसको इस नाम से भी हम लोग बोल सकते हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द मैन ड्यू टू इट्स ओन पावर। वेलोसिटी ऑफ द मैन ड्यू टू इट्स ऑन पावर। और ये जो है स्टिल वाटर में होता है, शांत पानी में। ऐसा नहीं कि पानी आगे पीछे दौड़ रही है, भाग रही है और उसमें भी वेलोसिटी ले रहा है, नहीं, इन स्टिल वाटर। तो शांत पानी में आदमी खुद के पावर से जिस स्पीड से मूव कर सकता है उसे हम लोग किस से डिनोट करेंगे? उसे हम लोग ऑलवेज इससे डिनोट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। बताओ इसमें कोई शक किसी को, कोई डाउट? तो फिर वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा? हाँ, अब नीचे वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है? तो पहला चीज तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इधर इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू वाटर या फिर एज सीन ऐसा समथिंग लिखा होना चाहिए। समझना है अच्छे तरीके से, अब मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से। अब मान लो कि जो रिवर है वो यू स्पीड से फ्लो कर सकता है। ये क्या है? यू स्पीड से फ्लो कर सकता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ द रिवर या फिर वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ द रिवर, अच्छा यहाँ पे वाटर को हटा करके रिवर कर देता हूँ मैं, आर। तो वी आर क्या है? वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द रिवर क्या चीज है वो हमें पता है, ओके? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आता है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो पहला चीज था ये, दूसरा था ये, और तीसरा है वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है ये एक्चुअल में रिजल्टेंट वेलोसिटी है। मान लो कि अब कोई भी पर्सन स्विमर जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, इसका नेट स्पीड कितना हो जाएगा? बिल्कुल ऐड हो जाएगा, क्योंकि रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये स्टिल वाटर में V से मूव कर सकता है। तो अब कोई भी आदमी ग्राउंड पे होगा तो इस आदमी को या फिर स्विमर को कितने से मूव करते हुए देखेगा? V plus U। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन। एकदम साफ साफ शब्दों में वेलोसिटी ऑफ स्विमर या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा जाएगा, या फिर इसके जगह पे ये भी लिखा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड,
ओके। अब थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को और मैं दूर करना चाहूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कैसे ये एक्चुअल स्पीड आ रहा है ड्यू टू इट्स ऑन पावर वाला, इसको और मैं अच्छे तरीके से समझाता हूँ। चलो, ये एक रिवर है और रिवर खुद के पावर के कारण से यू से आगे की डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। बहुत सही। और एक शांत बोट है जो अपना मोटर वोटर नहीं चला रहा, कुछ भी नहीं चला रहा, वो बस पानी में रख दिया गया। तो क्या पानी पे अगर रख दिया जाएगा इस बोट को तो बोट मूव करेगा? आया ना? यस यस सर, यस कितने से मूव करेगा? कितने सर, से मूव करेगा? यू सर, यू से मूव यू करेगा। यू तो दिस वेलोसिटी ऑफ बोट इज बेसिकली इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऑल्सो सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, करेक्ट? यस यस सर, और मैंने एक ऑब्जर्वर सर, रखा है इसके ऊपर, लेट्स से दिस इज द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर टू है। और अब आ गया है स्विमर सीन में। तो स्विमर क्या है, ये इस तरीके से तैरना चाह रहा है, और क्योंकि पानी आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, और स्विमर वी के स्पीड से आगे की डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो ग्राउंड से आदमी कोई भी देखेगा तो क्या बोलेगा, ये कितने से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? V प्लस U U प्लस V U वी प्लस यू, है ना? तो वी प्लस यू से आगे की डायरेक्शन मूव करेगा, और ग्राउंड से इस ऑब्जर्वर को भी देखा जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? U U यू। बहुत सही। U अब मैं क्या निकालना चाहता हूं, इसको एक्सपांड करके ऐड करना चाहता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना? ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तभी तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड सब्ट्रैक्ट होगा। ये माइनस कर लो और ये प्लस कर लो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा अब, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल्स टू वी प्लस यू माइनस यू। मेरी बात क्लियर है क्या? और ये यस सर, क्या आ गया, यस सर, ये वी आ गया, और वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल में क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और ये क्या चीज है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर, तो वेलोसिटी ऑफ यस सर, मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर एक्चुअल में क्या निकल के आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन ड्यू टू इट्स ऑन पावर। ओके, तो अब हम लोग इस चीज को याद रखेंगे कि हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर जो है वो खुद के पावर के कारण से, बाकी और कुछ नहीं है, इतना ही है जो है, इतना ही है, बाकी अब मैथ्स होगा नीचे और हम लोग देखेंगे मैथ्स। तो दो तरह के फ्लो होते हैं, एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, नाम खुद सजेस्ट कर रहा है कि स्विमर किस डायरेक्शन में जाएगा। डाउन द स्ट्रीम में रिवर क्या करेगा, सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा? सपोर्ट अपोज करेक्ट, सपोर्ट करेगा, है ना? तो रिवर इस डायरेक्शन में है और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर वी। और अप द स्ट्रीम में क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, अभी भी इसका वी है लेकिन जो रिवर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज। तो बताओ नेट स्पीड कितना हो जाएगा दोनों केस में? डाउनस्ट्रीम में V प्लस यू, अपस्ट्रीम में
यू माइनस वी वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल्स टू वी प्लस यू, और इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल्स टू वी माइनस यू, एज्यूमिंग दैट आदमी जो है ज़्यादा तेज है, ठीक है, नहीं तो वो फिर यस कभी सर आगे डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। बस काफ़ी आसान था ये चीज़, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो काफ़ी आसान है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द मैन फॉर ए राउंड ट्रिप फ्रॉम ए टू बी देन फ्रॉम बी टू ए, और गिवन ए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर, सॉरी बी और यू ही ले लेते हैं ना, इज वी एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर इज यू, ये पॉइंट ए है और जो बी है इस लोकेशन पे, और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। सॉल्व करो इसको, काफी आसान क्वेश्चन। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जब स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो ये कौन सा हो जाएगा, अप द स्ट्रीम, क्योंकि रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में यू से और ये वी से, तो एक्चुअल में आदमी की स्पीड इस डायरेक्शन में, स्विमर की स्पीड नेट कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी इक्वल्स टू वी प्लस सॉरी माइनस यू, वी माइनस यू, तो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा, एक बार इसको आगे जाना है और एक बार रिटर्न होकर के आना है, सो डी वन टाइम विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी माइनस यू, और जब रिटर्न हो रहा होगा उस समय जो टाइम लगेगा वो डी अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी डेट इज वी प्लस यू, और इसी टाइम को मुझे ऐड कर लेना है, हो जाएगा डी बाई वी माइनस यू प्लस डी अपॉन वी प्लस यू, उसको ऐड कर लो, वी माइनस यू प्लस बी प्लस यू डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू यू कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा टू बी डी अपॉन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, समझ में आया? यस सर। यस सर। सभी के आंसर आए होंगे। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं और सभी को एक क्वेश्चन को ध्यान देंगे। रिपीट द अबव प्रॉब्लम प्रॉब्लम इफ द वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 20 meter per second in downstream and velocity of a river is 5 meter per second. सॉल्व करो इसको, और डी का वैल्यू दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है।
तो क्योंकि एक राउंड ट्रिप है तो सबसे पहले उसको जाना है और आना है, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसमें बोला गया कि वेलोसिटी ऑफ द बोट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या चीज़ है? ये खुद के पावर के कारण से नहीं है, इसमें दोनों की वेलोसिटी शामिल है। और जब डाउन स्ट्रीम जा रहा था तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी थी? मतलब खुद के पावर के कारण से अगर वी होता और रिवर यू से जा रहा होता तो वेलोसिटी जो रिजल्टेंट होता वो कितना आता है? वी प्लस यू। तो ये चीज वही है। सो वी प्लस यू इज बेसिकली 20, जिसमें कि 5 मीटर पर सेकेंड दे रखा है रिवर की स्पीड। ऐसा तो बी कितना आ गया हमारा? 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो एक बार जाना है इसको, जाने में टाइम कितना लगेगा? डी डिवाइड बाय वी प्लस यू, और वी प्लस यू का वैल्यू है 20। और एक बार रिटर्न होना है, रिटर्न होने के लिए टाइम कितना लगेगा? डी अपॉन वी माइनस यू, और वी का वैल्यू है 15 और यू का वैल्यू है 5, तो वी माइनस यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं। टोटल टाइम निकल के आ जाएगा T1 प्लस T2। T15 सेकेंड। कितने लोग आया आंसर? सर मेरा आया। और 22.8, 10.66 कैसे आया ये सर? क्या मिस्टेक किया? तो वेलोसिटी ऑफ बोट मैंने वो रिवर का नहीं देखा था, मतलब तो रिवर का कंबाइन है वो नहीं देखा था। तो क्वेश्चन जो है रिलेटिव मोशन में ऐसे ही बनते हैं, जो सेंटेंस को चेंज कर देगा और तुम्हारे मतलब तुम्हें कंफ्यूज कर देगा। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना, जो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये याद रहेगा तो कभी भी कोई भी गलती नहीं हो सकता है। तो अप द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम हम लोगों ने देख लिया। अब ज़रूरी नहीं कि जो स्विमर है वो उसी डायरेक्शन में जाए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जा सकता है, उसके दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो यहाँ पे अब रिवर प्रॉब्लम हम देखते हैं कि एक्चुअल में रिवर प्रॉब्लम जो होता है वो कौन सा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने एक बात सीख लिया कि अगर कहीं पे लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर तो इसका मतलब रिवर की वेलोसिटी है सिंपल। कहीं पे लिखा होगा वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो ये पढ़ने में तो वही है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, पढ़ने में वही है, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या मतलब है? ड्यू टू इट्स ऑन पावर, या तो बोट हो सकता है या तो मैं स्विमर हो सकता है। तो दोनों मूव कर रहा है खुद के पावर के कारण से और स्टिल वाटर में, इसका मतलब ये होता है। और लास्ट वाला है वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये लिखा ऐसा ही जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, और इसका मतलब ये है कि इट इज बेसिकली द रिजल्टेंट स्पीड। नेट स्पीड ऑफ द मैन एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से
जो भी देख रहा होगा आदमी, और जितनी स्पीड होगी वो वेलोसिटी ऑफ मैन होगी। तो रिवर प्रॉब्लम में ये सारे चीज एग्जैक्टली डिटो सेम रहेंगे, बस सिनारियो चेंज ये हो जाएगा कि इस बार अप द स्ट्रीम स्ट्रीम और डाउन द स्ट्रीम नहीं होगा, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जैसे कि रिवर फ्लो जो है इस डायरेक्शन में है यू से, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल रहे हैं। तो जो पर्सन है वो इस डायरेक्शन में स्विम करना चाह रहा है, और ये वेलोसिटी क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, खुद के एक्चुअल के खुद के स्पीड से वो मूव करना चाह रहा है, बराबर। और रिवर का जो वेट है वो डी है, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे वो स्विम करना चाह रहा है। तो जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में स्विम करना चाह रहा है विद द स्पीड वी, जिसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू स्विमर बोलते आ रहे हैं। और क्योंकि ये इस डायरेक्शन में स्विम करेगा तो क्या इस लोकेशन पे पहुंचेगा वो? नो सर। नहीं, क्यों नहीं पहुंच रहा उस लोकेशन पे? क्योंकि ये जो वाटर है, पानी जो फ्लो कर रहा है, वो खुद भी तो इसको ड्रिफ्ट कराएगा, आगे की डायरेक्शन में खींचेगा। तो एक्चुअल में इसकी दो डायरेक्शन में स्पीड हो गई, ये खींच भी रहा है इसको पानी, तो ये कहाँ पे पहुंचेगा? इस जगह पे पहुंचेगा। समझ में आया क्या? यस ये बात सबको समझ में आना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट इस वाले डिस्टेंस को नहीं बोलते हैं, ड्रिफ्ट इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं कि कितना ड्रिफ्ट हो गया इस लोकेशन से। याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे और सभी को इसको ध्यान से देखेंगे। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, क्योंकि थीटा एंगल पे है। इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, और एक इस डायरेक्शन में होगा विच इज वेलोसिटी ऑफ मैन सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा एंड साइन थीटा। और क्योंकि पानी खुद इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐड हो जाएगा। तो ये नोटेशन में है, मैं इसके वैल्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। ये हो जाएगा पी कॉस थीटा प्लस यू, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा बी साइन थीटा, बराबर। रिवर का जो विड्थ है वो डी है, बोलो कितने टाइम के बाद वो रिवर को क्रॉस कर लेगा? दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज द वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। क्या सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इस रिवर को क्रॉस करा सकती है? यस सर। और एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कराएगी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में एक्चुअल में आदमी जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज ड्रिफ्ट, पैरेललोग्राम ला पार्टीशन लगा दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो मुझे पहले टाइम बताओ कितना लगा रिवर को क्रॉस करने में? d बाय v साइन थीटा। सभी को ये बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये डेरिवेशन किसी काम का नहीं, ये बस मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। सो द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय वी साइन थीटा। हाँ सर। और कितना ड्रिफ्ट होगा?
v cos थीटा प्लस u मल्टीप्लाइड बाय t. सही. जितना टाइम इसे इधर जाने में लगेगा उतने टाइम में ये आगे की डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगा. कितने टाइम के लिए ट्रैवल किया? t टाइम के लिए और x डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना है. सो ड्रिफ्ट d will be equals to vx into t. वैल्यू को पुट कर लेता हूँ, vx हो जाएगा d cos थीटा प्लस u और d हो जाएगा d अपॉन d sin थीटा. तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को बस याद रखना. अब इसमें दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फेमस है और वो दो क्वेश्चन ये है कि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ. ओके, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, किस डायरेक्शन में स्विमर को तैरना चाहिए ताकि वो सबसे कम टाइम में रिवर को क्रॉस कर ले, बताओ मुझे. परपेंडिकुलर. ठीक है, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यू है और आदमी किसी भी डायरेक्शन में तैर सकता है. किस डायरेक्शन में तैरना चाहिए, क्या लग रहा है? लेफ्ट से जाएगा तो सीधे हो जाएगा वो. सबसे कम टाइम लगना चाहिए उसे, सबसे कम टाइम. सर 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू शोर. ऐसा क्यों होना चाहिए रीजन? सर क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उसके टाइम टू रीच अदर शोर को अफेक्ट नहीं करेगी. रीजन ये है, अभी जब हम लोगों ने ऊपर निकाला तो वैल्यू क्या है, डी अपॉन बी साइन थीटा आया था फॉर्मूले. तो अगर सबसे शॉर्टेस्ट टाइम देखना है, मतलब टी अगर हमारा मिनिमम होना चाहिए तो साइन थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम. और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो. तो एक आंसर तो यह इधर से याद आ रहा है और लॉजिकल आंसर ये है कि ये जो आदमी है खुद के पावर से V से स्विम कर सकता है. ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो V cos थीटा इधर आएगा और इधर आएगा V sin थीटा. तो इस d डिस्टेंस को कंप्लीट कराने के लिए कौन सा वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, यही वाला. तो क्या ये वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो सबसे कम टाइम लगेगा. यस सर. और ये वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम सिर्फ v हो सकता है जब आदमी पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट कर दे v से. वो आराम से इस डायरेक्शन में स्विम करेगा, उसको कितना टाइम लगेगा स्विम करने में, मिनिमम टाइम टेकन क्रॉस द रिवर विल बी d डिवाइडेड बाय. ये बात समझ में आया क्या? यस सर. तो मुझे बताओ इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, जीरो होगा या कुछ होगा? सर उसका ड्रिफ्ट टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर होगा. क्योंकि आदमी ने तो इस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट किया, लेकिन क्या वो इस जगह पे पहुंचेगा? नहीं, क्योंकि रिवर तो इसे इस डायरेक्शन में खींचेगा. तो रिजल्टेंट वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन वो पहुंचेगा इस जगह पे, लेकिन हो गया है कुछ ड्रिफ्ट.
और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा जितना टाइम लगा क्रॉस करने में, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्योंकि ये भी तो इस डायरेक्शन में रहेगा. सो द ड्रिफ्ट विल बी इक्वल्स टू मिनिमम टाइम मल्टीप्लाइड बाय द यू. ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं. अब दूसरा चीज है, ये तो हो गया शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ. किस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहिए, स्विम करना चाहिए, ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल कर. स्विमर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्विम कर सकता है, इधर इधर इधर, इस तरफ, किधर भी स्विम कर सकता है. लेकिन उसे किस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए ताकि उसके कारण से जो पाथ ट्रेवल किया गया है वो सबसे कम हो. सर रिवर के अगेंस्ट, रिवर के सर लेफ्टवर्ड्स इंक्लाइंड, लेफ्टवर्ड. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, अगर तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो रिवर उसको इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगा, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल इस जगह पे चले जाए. तो अगर वो इस जगह से चला है और डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच गया तो ड्रिफ्ट कितना हो गया, जीरो. तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ को भी बोलते हैं नो ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट कितना हो जाना चाहिए, जीरो. और शॉर्टेस्ट पाथ ड्रिफ्ट शुड बी इक्वल्स टू जीरो. और ड्रिफ्ट कैसे जीरो हो सकता है, कोई मुझे बताओ ड्रिफ्ट कैसे जीरो हो सकता है. लॉजिकल चीज है, आदमी इस तरफ जाना चाहता है विद द स्पीड यू एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो इसका कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा, और इधर कंपोनेंट होगा वी साइन थीटा. और पानी इसको इस डायरेक्शन में खींचना चाहता है विद यू, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में तभी जाएगा जब ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए. आया ना? यस सर. कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. देखो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या करेंगे कि उस आदमी का वेलोसिटी सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बाकी लेफ्ट राइट के डायरेक्शन में वेलोसिटी ना हो. मैंने बोल दिया वी कॉस थीटा शुड बी इक्वल्स टू यू, तो इधर से हमें एंगल निकल के आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू यू बाय वी. क्या कॉस थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर. तो शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए जो वी है वो ऑलवेज बड़ा होना चाहिए यू से, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फॉर नो ड्रिफ्ट शॉर्टेस्ट पाथ तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया. नो ड्रिफ्ट, अगर बिल्कुल जीरो ड्रिफ्ट होना है तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए वेलोसिटी जो है मैन की स्टिल वाटर में वो रिवर स्पीड से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो वर्टिकली अपवर्ड. सर अगर इक्वल होगा तो फिर भी नो ड्रिफ्ट होगा ना, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि वो थीटा एंगल पे नहीं, वो इसको इस डायरेक्शन में मूव करना होगा वी से, और ये इस डायरेक्शन में यू से, ऊपर की वेलोसिटी ही नहीं बची. हाँ सर समझो, है ना ये चीज. तो इस केस में कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में?
इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है वी साइन थीटा, डी डिवाइड बाय वी साइन थीटा। सिंपल, ओके? यस सर। सबको बात समझ में आ गई होगी, तो अब मैं इस पे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे। एक रिवर है और एक स्विमर है। स्विमर जो है वो इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से कर सकता है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो द मैन कैन स्विम 20 meter per second in still water. एंड रिवर की जो स्पीड है वो दे रखी गई है 5 meter per second। देन 60 degree नहीं है तो 53 degree। देन फाइंड फर्स्ट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, सेकेंड ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर। इन दोनों को निकालो। तो देखो अब इसे सॉल्व करते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें दिया नहीं मैंने, क्योंकि स्टिल वाटर में इसकी 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में 20 से जाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा क्योंकि अभी रिजल्टेंट स्पीड निकलेगी। 53 डिग्री के एंगल पे है, 20 cos 53 और इधर आएगा 20 sin 53। और क्योंकि रिवर खुद 5 से फ्लो कर रहा है तो इधर 5 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, sin 53 होता है 4/5, ये हो जाएगा 16 meter per second। और ये हो जाएगा 3/5, 12 meter per second। ऐसा तो सिंपल है। टाइम कितना लगेगा इसको पार करने में, डी डिवाइडेड बाय 20 sin 53 विच इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 16। और ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाइड बाय द टाइम विच इज 100 डिवाइड बाय 16। ओके, सभी का ये आया होगा आंसर? यस सर। ओके, अगर ये yes, आ गया है तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि द मैन कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ 20 meter per second and velocity of river is 10 meter per second. Then find first direction
in which he should swim such that time taken to cross the river is minimum. And second one is direction in which the man should swim such that there is no drift. सॉल्व करो, डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, इन दोनों केस में इसमें ड्रिफ्ट भी निकालना है कितना होगा और इसमें टाइम निकालना है कितना होगा। तो इसमें दो चीज़ें हमें गिवन है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी जो कि खुद के कारण से, मैन के खुद का पावर के कारण से, और 10 मीटर पर सेकेंड रिवर का। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है किस डायरेक्शन में उसे स्विम करना चाहिए ताकि उसे टाइम जो लगे सबसे मिनिमम लगे। किस डायरेक्शन में करना चाहिए, तो बिल्कुल सिंपल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसे जाना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड से, और क्योंकि रिवर है वो इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा ही, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कितना टाइम लगेगा उसे पूरा का पूरा रिवर को क्रॉस करने में, वो टाइम निकाला जा सकता है, डेट इज 100 डिवाइडेड बाय 20, विच इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, और इतने टाइम में वो ड्रिफ्ट कर लेगा क्योंकि वो इस जगह पे पहुंच रहा है। सो ड्रिफ्ट इज इक्वल्स टू दिस वेलोसिटी इनटू टाइम, आंसर इज 50 मीटर। सेकेंड केस पूछा है कि डायरेक्शन ताकि कोई भी ड्रिफ्ट ना हो, किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए ताकि ड्रिफ्ट ना हो, और उसके लिए डायरेक्शन के लिए ये बोलता है कि रिवर फ्लो से कितना एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो मैं पहले इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, तो इधर कितना हो जाएगा 20 sin थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा 10, और इस डायरेक्शन में होगा 20 cos थीटा, क्योंकि इसका ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली इस लोकेशन पे पहुंचना चाहिए, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए। 20 sin थीटा इज इक्वल्स टू 10, सो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा कितना आया, 30 डिग्री आया, और रिवर फ्लो से कितना एंगल होगा, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसको इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, विच इज 120 डिग्री एंगल। तो क्वेश्चन में देख लेना कि किससे एंगल पूछा गया, अप द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम, वर्टिकल, किससे पूछा गया। तो कितना टाइम लगेगा इसे क्रॉस करने में, टी इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय वेलोसिटी, विच इज 20 cos 30 डिग्री, 5 डिवाइड बाय cos 30 कितना होता है, √3/2, आंसर आ जाएगा 10/√3 सेकेंड। आया क्या सबको समझ में? यस सर। सर हाँ, अगर हमने ये थीटा वाले केस को ऑपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम किया तो फिर थीटा इक्वल 60 आएगा ना? हाँ, थीटा तो ऑब्वियसली 60 आएगा, इसमें कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है। अगर ये इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, इससे एंगल अगर 30 बन रहा है तो इससे एंगल तो 60 ही बनेगा ना, है ना? तो तुमने थीटा उधर मान के किया, मैंने इधर मान के किया, आंसर सेम आएगा। ओके, तो इसमें एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन ऐसा है कि मैन स्विम्स
रिलेटिव टू वाटर विद द वेलोसिटी वी विच इज टू टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी विच इज यू. पूछा गया then find at what angle to the stream direction the swimmer must swim for minimum drift. सॉल्व करो इस क्वेश्चन. काफी बढ़िया क्वेश्चन है इरोडोव का है शायद, और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो. कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे. तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि कौन बड़ा है, रिवर की फ्लो की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, और जो आदमी या फिर बोट जो स्विम कर सकता है उसकी स्पीड कम. मिनिमम ड्रिफ्ट करने के लिए ये कर सकता था कि इस डायरेक्शन में जाए, जिसके कारण से यू से इधर खींचेगा और इसका जो कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा इसके बराबर है. लेकिन यहाँ पे वी ऑलरेडी यू से छोटा है. अगर वो इस डायरेक्शन में भी वी से जाएगा और यू से इधर जाएगा तो ये बड़ा है. समझ में आ रहा है क्या? इसका ड्रिफ्ट जो है जीरो तो कभी नहीं हो सकता है, लेकिन मिनिमम जरूर हो सकता है. तो मिनिमम करने के लिए उसे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा तो मिनिमम तो नहीं हो पाएगा. इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये तो इस डायरेक्शन में खींच ही लेगा, ऐसे चला जाएगा. तो ऑफ कोर्स थोड़ा इधर होना चाहिए ताकि ड्रिफ्ट हो लेकिन उतना ज़्यादा ना. मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे? यस सर. होपफुली मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि उसने बोल रखा है अगर इसकी स्पीड यू है तो आदमी की जो स्पीड है वो कितना है, यू बाई टू. ये तो इसीलिए मैंने मान लिया कि लेट से उसे थीटा एंगल पे स्विम करना चाहिए, और जो कंपोनेंट आ जाएगा इधर वी कॉस थीटा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा वी साइन थीटा, और ये यू से जाएगा. तो बेसिकली रिजल्टेंट जो होगा, अच्छा सर, यू माइनस ऑफ वी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा, वो इस जगह पर पहुंच जाएगा. तो इतना सा ड्रिफ्ट हो जाएगा. पहले ये निकाल लेते हैं कि इसे टाइम कितना लगेगा तो क्रॉस करने में रिवर को. तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी डी अपॉन वी कॉस थीटा, और उतने टाइम में ये ड्रिफ्ट कर जाएगा. तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल्स टू यू माइनस ऑफ बी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय द बी इंटू बी कॉस थीटा. तो इस एक्स को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज करना है. एक्स वे मिनिमम. तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू जीरो. किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको बताओ, एक्स को
किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो? थीटा के रेस्पेक्ट में, बिकॉज थीटा इज वेरिएबल, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से लिखा गया, यू डी माइनस थ्री डी साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, नीचे जो भी चीज़ लिखा है उसको स्क्वायर करके एज इट इज लिख, और यहाँ पे लिख दो वी कॉस थीटा, और ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, फिर यू बाई वी रूल लगेगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो माइनस बी डी साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, अब आएगा माइनस, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन वी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर जो टर्म था वो एज इट इज रहेगा, यू बी माइनस बी डी साइन थीटा। ठीक है, तो मुझे इक्वल्स टू जीरो करना है इसको, क्योंकि मुझे चाहिए मिनिमम। सो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, और जीरो करने के लिए हम लोग बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय बी डी कॉस थीटा प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, वी यू डी साइन थीटा माइनस ऑफ वी स्क्वायर डी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या इधर से, वी कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें कितना बचेगा, माइनस ऑफ बी डी कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें कितना बचेगा, माइनस ऑफ बी डी साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें कितना बचेगा, प्लस यू डी साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा बोलो, माइनस बी, माइनस वी डी। ठीक है, क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इधर से d एंड d कैंसिल आउट हो जाएगा, सो साइन थीटा कितना निकल के आया, v बाय u। मुझे इस एंगल पे स्विम करना चाहिए ताकि ड्रिफ्ट जो हो वो मिनिमम हो, इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, टेन एंगल ऑफ थीटा, वो इस जगह पे लेकर। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स v बाय u। अब p और u का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स v का वैल्यू हो जाएगा आधा है जस्ट, थीटा कितना निकल के आया, 30 डिग्री। और अगर मैं स्ट्रीम इसके फ्लो से देखेंगे एंगल, तो एंगल कितना आ जाएगा, टोटल 120 डिग्री। तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 120। समझा क्या? यस सर। काफी बढ़िया क्वेश्चन, तो याद रखना, अगर शॉर्ट ट्रिक में याद रखना चाहते हो तो इसको याद रख सकते हो कि इस एंगल पे स्विम करना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल टू वी वाई यू पे, ताकि ड्रिफ्ट जो हो वो मिनिमम हो। नेक्स्ट इज विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम, और ये इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चंस ऊपर करे स्विमर वाला एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन बनता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस रहेगा कि जो हवा है, विंड है, वो किसी भी डायरेक्शन में ब्लो कर सकती है। पहले क्या था, डायरेक्शन फिक्स था, रिवर ऐसे दिखा दिया तो इसका मतलब रिवर इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो नहीं कर सकती। लेकिन अब विंड है तो विंड तो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है ना, ऐसा।
तो जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, मान लो कि विंड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो हम लोग एक रिवर की तरह उसको रिज्यूम कर लेंगे कि रिवर हमारा ऐसा है। ओके तो इन दोनों में सिमिलरिटीज देख लेते हैं, किस किस तरीके से हम लोग सोचेंगे। इस जगह पे अगर रिवर था तो रिवर की स्पीड वी आर होती थी, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ द रिवर। और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर था उसका काम कौन करेगा, विंड। ये होगा वेलोसिटी ऑफ। फिर नेक्स्ट क्या था, स्विमर था, तो स्विमर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे एरोप्लेन होगा, एरोप्लेन भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द रिवर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। सेम यहाँ पे भी बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रेस्पेक्ट टू विंड, जिसका मतलब वही है कि प्लेन का खुद के पावर के कारण से क्या स्पीड है। विथ रेस्पेक्ट टू विंड एंड लास्ट वन इज वेलोसिटी ऑफ मैन, जिसका मतलब ये होता था कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो वो मैन को देख रहा था, तो रिजल्टेंट स्पीड कितनी है, इसको हम लोग सिंपल सा वेलोसिटी ऑफ मैन बोलते थे, या फिर नेट स्पीड बोलते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। ऐसा तो इन दोनों में ये सिमिलरिटीज है और एक डिफरेंस है इन दोनों में, कोई बता सकता है डिफरेंस क्या है। सर, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी चेंज हो रहे हैं ना? नहीं, ग्राउंड तो स्टेशनरी रहेगा ऑलवेज। एक डिफरेंस, हर एक चीज वही होगा, सब कुछ वैसा ही होगा, टाइम वाइम सब वैसा ही कैलकुलेट करना है, सिवाय एक डिफरेंस का कि इस वाले में ड्रिफ्ट अलाउड होता था, ड्रिफ्ट में और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन इस वाले केस में ड्रिफ्ट इज कंपल्सरी, इट शुड बी जीरो। ड्रिफ्ट कंपलसरी है, जीरो होना ही चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, मान लो कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और जो प्लेन है इस जगह से उड़ी और विंड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो प्लेन को कुछ इस तरीके से उड़ना पड़ेगा कि वो बी पे ही लैंड करे। ऐसा नहीं कि दिल्ली मुंबई से फ्लाइट निकला कलकत्ता के लिए और पहुंच गए दिल्ली, पायलट से पूछा गया क्यों, तो बोला वो हवा ने हमको खींच करके दिल्ली पहुंचा दिया, है ना। तो ड्रिफ्ट शुड बी जीरो, ड्रिफ्ट होना नहीं चाहिए। ओके हाँ, यस सर। तो ये केस हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्लाइट वाले केस में हमें ड्रिफ्ट जीरो करना है, और ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर ए से निकला बी के तरफ तो नेट स्पीड इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, जीरो, सिर्फ और सिर्फ स्पीड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वो बी पे पहुंच पाएगा। ओके okay? यस सर। यस सर।
should be zero. Net speed in this direction should be zero. बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी का हम लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह लेना हमें आता है. क्वेश्चन करें फिर. एक प्लेन है जिसका स्पीड खुद के पावर के कारण से वी हो सकता है, और जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो यू दे रखा है. फ्लाइट ए से निकला है और बी पे पहुंचेगा, ठीक है, लेकिन बोल रखा कि जो विंड है वो इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है. पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन फॉर अ राउंड ट्रिप. फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्लेन फॉर अ राउंड ट्रिप. सॉल्व करो इसको. तो इस क्वेश्चन में हमें बस इतना से याद ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए, जीरो. तो ऐसा ज़ूम कर लेते हैं कि रिवर जो है इस डायरेक्शन में वर्टिकल है, और ये इस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो हो रहा है, और स्विमर को ऐसे करके जाना है और ऐसे करके वापस आ जाना है. तो उसके लिए इसे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा स्विमर को, तभी तो वो ऐसा जा पाएगा वेक्टरली. क्लियर है क्या? तो ये ऐसा जाएगा, और फिर जब रिटर्न हो रहा होगा उस समय भी इसको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा ताकि वो इस डायरेक्शन में जा पाए. ठीक है, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर ए से बी तक उसको जाना पहुँचना है, बी पे पहुँचना है, उसके लिए उसे इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा बी से, ताकि रिजल्टेंट स्पीड इस डायरेक्शन में हो, ये ड्रैग करेगा यू से. तो नेट स्पीड इधर देखो एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए तुम्हें दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल. ये है बी और ये है यू, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. तो इसकी स्पीड जो आए वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड. तो डी डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर लेगा, इवन टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू d upon v square minus square, इतना. और जब वो इस जगह पे आ जाएगा तो अब वापस से इसे मूव करना पड़ेगा, तो इसे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. और इनफैक्ट इस जगह पे अगर एंगल अल्फा है और इस जगह पे एंगल बीटा है, तो ये अल्फा एंगल और बीटा एंगल इक्वल होने वाला है, क्योंकि अभी भी स्पीड तो अनचेंज्ड है, तभी तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा. और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर में होगा, सॉरी यहाँ पे भी रूट अंडर में. तो टी टू टाइम कितना लगेगा आने में भी, डी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का रूट अंडर. टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम टेकन विल बी इक्वल्स टू डी अपॉन टू डी अपॉन रूट अंडर ऑफ b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ये आंसर है, समझ में आया क्या सबको? अगर किसी को एंगल निकालना होता तो एंगल भी निकाल सकते थे. बोलो कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू u बाय, और फिर इस डायरेक्शन का कंपोनेंट भी हम लोग चाहे तो निकाल सकते थे, v cos थीटा. और क्योंकि साइन थीटा तुमने निकाला है, तो कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लो यहाँ से, हमारा आंसर फिर से वही आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं सर. हाँ बोलो. वेलोसिटी ऑफ प्लेन मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी. हाँ, नेट वेलोसिटी. ओके सर.
क्वेश्चन ऐसा है, एक स्क्वायर है और इस प्लेन को इस स्क्वायर में मूव करके आना है। पहले ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, सी से फिर डी जाना है और डी से फिर ए आना है। ऐसा एक लूप में इसको प्लेन को फ्लाइट को मूव करना है और जो विंड है वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है विद द स्पीड यू, और वेलोसिटी ऑफ द प्लेन विद रेस्पेक्ट टू द विंड हमें वी गिवन है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन। ए से बी, बी से सी, सी से डी, बी से ए तक आने में, और इन सभी का डिस्टेंस ए मान लेता है। सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन में जो ए से बी तक फ्लाइट जाएगा वो कैसा मोशन करेगा, अप स्ट्रीम होगा या डाउन स्ट्रीम होगा? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम होगा। मान लो कि इसमें टाइम टी वन लगा, टी टू, टी थ्री, फिर टी फोर, तो टी वन टाइम कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय बी प्लस यू। बी प्लस यू इधर जाने के लिए ये टाइम हो गया, और इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए टाइम कितना हो जाएगा, डाउन द स्ट्रीम और एक अप द स्ट्रीम, ए अपॉन बी माइनस यू हो गया। और जब वो इस जगह पे पहुंचेगा तो क्योंकि विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है तो फ्लाइट को इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ताकि ड्रिफ्ट क्या हो, ज़ीरो। तो इस डायरेक्शन की स्पीड कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में, यू टू विल बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इस जगह पे पहुंचने के बाद यहाँ पे आएगा तो वापस से इसकी नेट स्पीड इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, और क्योंकि विंड तो ड्रिफ्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट कर रहा है तो उसे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि ड्रिफ्ट होकर के वो इधर आ जाए, बी यू और ये रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनली टी फोर बी जो है हमारा वो सेम निकल के आएगा स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और नेट स्पीड कितना, सॉरी नेट टाइम कितना लगेगा जाने के लिए पूरे कंप्लीट ट्रिप के लिए, टू ए अपॉन रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस टू ए बी था क्या, यू हाँ यू कैंसिल आउट होगा, बी आएगा अपॉन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ में आएगा सबको? यस सर। यस सर। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ऐसा विंड और एयरप्लेन प्रॉब्लम होगा, और भी अलग अलग तरह के इसमें एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जब तुम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो उसमें तुम्हें अच्छे तरीके से क्लियर होते जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेन प्रॉब्लम देखेंगे, और रेन प्रॉब्लम होने के बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन टू डायमेंशन में देखेंगे, और वहाँ से देखेंगे क्या कंडीशन होना चाहिए एक दूसरे को कोलाइड करने, मिनिमम डिस्टेंस वगैरह क्या होता है, कितना होता है, कैसे निकालते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।